आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फॉर लैंथेनॉइड्स एलिमेंट्स इन नॉट ओबेड बाय। हमें बताना है जो डिक्रीज आता है, ग्रेजुअल डिक्रीज आता है एटॉमिक रेडियस में ऑफ लैंथेनॉइड्स, तो उनके अंदर कौन सा लैंथेनॉइड्स हैं जो कि ओबे नहीं करते हैं ये ग्रेजुअल डिक्रीज। तो यहाँ पर हमें गिवन है यूरोपियम ओनली, ये टर्बियम ओनली, बोथ यूरोपियम एंड इटर्बियम, यहाँ पर नन ऑफ दीज। तो लैंथेनॉइड जो होते हैं, लैंथेनॉइड्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोल सकते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। लैंथेनॉइड्स के पास 4F ऑर्बिटल होता है, 4F ऑर्बिटल पुअर शील्डिंग करता है, पुअर शील्डिंग। अब शील्डिंग का मतलब क्या होता है? शील्डिंग मतलब इस तरह से न्यूक्लियस है तो इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, तो जो यहाँ पर बीच वाली ऑर्बिटल है ये क्या करेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को, सो दैट न्यूक्लियस जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उन पर ना लगा पाए, एंड इस वजह से जो साइज होता है, साइज जो होता है इंक्रीज हो जाता है। शील्डिंग की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लग नहीं पा रहा है आउटर मोस्ट शेल पर, एंड इस वजह से ये दूर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एंड देयरफॉर साइज इंक्रीज हो जाता है। बट लैंथेनॉइड्स में, लैंथेनॉइड्स के अंदर होता है 4F ऑर्बिटल, एंड 4F ऑर्बिटल क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग करते हैं, काफी दूर दूर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये शील्ड नहीं करते, न्यूक्लियस के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को शील्ड नहीं कर पाते हैं फॉर द आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक लग रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ तक लग रहा है, इस वजह से पुल करके रखेगा इलेक्ट्रॉन्स को, पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, एंड देयर फोर क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा। इस तरह से जो लैंथेनॉइड सीरीज होती है, लैंथेनॉइड सीरीज फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटेटियम, यहाँ पर क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है ग्रेजुअली। तो हमें यही गिवन है जो ग्रेजुअल डिक्रीज है वो कौन सा लैंथेनॉइड फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ पर हम इस प्लॉट से देख सकते हैं कि जो यूरोपियम है एंड ये टर्बियम है, ये फॉलो नहीं कर रहा है इस ग्रेजुअल डिक्रीज को। ऐसा क्यों? बिकॉज जनरली जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स, उनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। अब +3 है मतलब चार्ज +3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते इजिली, तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से साइज स्मॉल होगा। एंड जो यहाँ पर ये टर्बियम है एंड यूरोपियम है, इनकी जनरल ऑक्सीडेशन, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। अब +2 है, चार्ज कम है तो इसलिए साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू अदर लैंथेनॉइड्स, इस वजह से ये टर्बियम एंड यूरोपियम ड्यू टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इनका जो साइज होता है ज्यादा होता है, एंड लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से लैंथेनॉइड्स का जनरली इन जनरल होता है साइज स्मॉलर। तो यहाँ पर जो ग्रेजुअल डिक्रीज है उसे फॉलो नहीं करते हैं यूरोपियम एंड ये टर्बियम, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है, बोथ यूरोपियम एंड ये टर्बियम डू नॉट ओबे द ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस फॉर लैंथेनॉइड्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।